ओके हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं विशी और आप देख रहे हैं बॉन्ग टू इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम टाइटन शेयर के बारे में बात करेंगे। इसमें एक स्विंग ट्रेड का मौका बना है, आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए भी लेके जा सकते हो, तो इसका हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। सो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते हैं। और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिसको आपको हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो अब हम आ चुके हैं टाइटन के चार्ट के ऊपर। तो इसमें हम पहले वन वीक का एनालिसिस करेंगे, बाद में वन डे का, और बाद में मैंने इसमें कहाँ एंट्री लिए और क्यों लिए वो सब बात करेंगे। तो अगर आप इसमें वन वीक का चार्ट देख रहे हो तो मैं इसमें एक क्या एक ट्रेंड लाइन बना लेता हूँ, सो आपको आइडिया है। तो इसको मैं एक पॉइंट इधर से ज्वाइन करता हूँ और ये एक पॉइंट ये दो पॉइंट ज्वाइन कर मैं एक ट्रेंड लाइन बना रहा हूँ। बाद में मैं इसको देखूंगा प्रॉपर बनी है या नहीं। तो मैंने अभी इसमें ट्रेंड लाइन प्रॉपर बना ली है, तो आप देखोगे कि एक बार ये इधर से ऊपर आया, नीचे आया, तो मैंने ये दो पॉइंट ज्वाइन करके एक ट्रेंड लाइन बनाई। तो आप जब ये ऊपर गए तब देखोगे और नीचे आए तो उसी ट्रेंड लाइन के आसपास से क्या किया, सपोर्ट लिया और फिर से अभी ये अप जा रहा है। तो इसको ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट, तो इन फ्यूचर अगर ये ट्रेंड लाइन के पास आता है तब भी आप अपनी बाइंग पोजीशन बना सकते हो, अगर वहां कोई रिवर्सल साइन मिले तब लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये हो गया लॉन्ग टर्म वन वीक के हिसाब से। अभी हम इसको वन डे पे शिफ्ट कर लेते हैं और देखते हैं इसमें क्या आपको करना चाहिए, क्या होता है, क्या इसके सपोर्ट रहेंगे, क्या इसके रेजिस्टेंस रहेंगे। तो इसका पहला सपोर्ट होगा ये, इसका लास्ट लो ही होगा। इसको मैं एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ, सो आपको बेटर आइडिया है। तो इसका जो लास्ट लो था ये था 1250 के आजू बाजू। तो इसका ये पहला क्या होगा, सपोर्ट होगा। अगर ये इसके नीचे जाता है तो जो मैंने बोला लॉन्ग टर्म जो इसका सपोर्ट होता है वो इसके लिए बेस्ट सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो ये ट्रेंड लाइन आपको एक इम्पोर्टेंट देगी। तो अगर ये नीचे आके ट्रेंड लाइन के पास भी मिलता है तब भी आप इसमें क्या कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री बना सकते हो। ये हो गया लॉन्ग टर्म। अभी मैं इसमें रेजिस्टेंस की बात करूं तो मेरा पहला रेजिस्टेंस क्या होगा, तो मेरा पहला रेजिस्टेंस जो इसका लास्ट हाई था वही मेरा पहला रेजिस्टेंस होगा। मतलब आई थिंक 1350 या 1400 के आसपास आ रहा है। तो इसको मैं पहला अपना रेजिस्टेंस मानूंगा, बाद में दूसरा रेजिस्टेंस। तो इधर से हम एक राइजिंग रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करेंगे, सो उसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। तो इसको मैंने ड्रॉ कर लिया, कैसे किया, एक ये हाई लिया, एक ये हाई लिया, जो दोनों हाई थे वही हाई लिया और एक राइजिंग रेजिस्टेंस लाइन बनाई। अगर ये इन फ्यूचर यहाँ कहीं जाता है और रेजिस्टेंस जैसा कोई बिहेव करता है, मतलब रेजिस्टेंस जैसा कोई साइन देता है, तो आप इधर से सेलिंग में आ सकते हो। तो ये था आपका रेजिस्टेंस, दोनों रेजिस्टेंस, एक था 1390 के आसपास और एक राइजिंग रेजिस्टेंस के लाइन के आसपास है। अभी मैंने इसमें एंट्री क्यों ली वो बात कर लेते हैं, कैसे आप इसमें एंट्री बना सकते हो वो सब। तो इसको मैं 1 आवर्स पे शिफ्ट कर लेता हूँ, तो इसको मैं 1 आवर्स पे शिफ्ट करूंगा, सो आपको बेटर आइडिया है, क्योंकि ये मेरा स्विंग ट्रेड है इसीलिए। तो इसको मैं 1 आवर्स पे शिफ्ट कर लेता हूँ। तो जब आप इसको 1 आवर्स पे शिफ्ट करोगे तो आपको एक आइडिया आएगा कि आपको क्या मिल रहा है। इधर एक सडनली अपसाइड मिल रही, बाद में कंसोलिडेट मिल रहा है। तो आप इसे एक फ्लैग टाइप पैटर्न बना सकते हो, जिसको आइडिया है उसको आइडिया लग ही गया होगा, क्योंकि आप इधर से एक राइजिंग रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करोगे और एक फ्लैग टाइप पैटर्न बनाओगे। ओके, ये आपका फ्लैग टाइप पैटर्न रहा, एक सडनली अपसाइड, बाद में कंसोलिडेट और उसी कंसोलिडेट का भी ब्रेकआउट हुआ। तो इसीलिए मैंने इसमें एंटर करे, अच्छी कैंडल और अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल ब्रेकआउट है। तो अभी बात है आपकी, तो आप कहाँ एंटर हो रहे हैं। तो हो सकता है कि आप इसमें क्या है कि जो 1310 का लेवल है उसको प्रॉपर तरीके से ब्रेक होने दो, बाद में अभी एंटर हो तो बेटर है। ऐसा कुछ है नहीं कि आप इसमें या तो थोड़ा डीप जाए, इधर नीचे कोई रिवर्सल का साइन मिले तब भी आप एंटर हो सकते हो, लेकिन अगर आपको प्रॉपर ब्रेकआउट या वहीं पे एंट्री चाहिए तो 1310 का लेवल है उसको प्रॉपर तरीके से ब्रेक होने दो, बाद में एंटर हो। आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा इसके नीचे, मतलब 1250 के नीचे। प्रॉपर 1250 नहीं रखो, 1250 के थोड़ा नीचे रखो। सो आपको क्या है कि उसी लेवल पे सपोर्ट है, तो हो सके वहां पे सपोर्ट ले से फिर से अप जाए, ऐसा होता है। सो प्रॉपर 1250 पे नहीं, 1250 से थोड़ा नीचे रखो। अभी मैंने ये एंट्री कहाँ से ली थी वो बता देता हूँ। तो मैं ये अपने टेलीग्राम और ट्विटर दोनों पे अपलोड करता रहता हूँ, तो आपको अगर ज्वाइन होना है तो वहां आप ज्वाइन हो सकते हो। वहां में क्या कि चार्ट पैटर्न, अपनी पोजिशन और कुछ इंटरेस्टिंग चार्ट पे दिख रहा है तो वो सब अपलोड करता रहे, तो आप मेरे को ट्विटर एंड टेलीग्राम दोनों पे ज्वाइन कर सकते। तो मैंने ये 1300 पे एंट्री ली थी, आप देख सकते हो डिलीवरी पे ये लिया है, 1250 के नीचे इसमें मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। सो ये मेरी ओर से क्या है कि मैंने एंट्री ली, तो मेरे को लगा आपको भी बताना चाहिए, सो आपको भी एक बेटर आइडिया है।
सो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाए. और क्या है कि मेरे को टेक्निकली भी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, तो अगर आपको इसमें इंटरेस्टिंग लग रहा है कुछ तो अपनी पोजीशन बना सकते हो. लेकिन पहले देखिए, कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपनी एनालिसिस कीजिए, बाद में कुछ बाय या सेल कीजिए. ऐसा नहीं होता कि मैं या कोई और बोल रहा है सो आप बाय कर रहे हो. पहले अपनी एनालिसिस कीजिए, अगर आपको सही लग रहा है बाद में बाई की. तो दोस्तों, ये था हमारा छोटा सा वीडियो टाइटन के ऊपर. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. अगर ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छा लगा हो तो प्लीज यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लेना. आप लाइक कमेंट करोगे तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे वीडियो आगे लेके आएंगे. सो प्लीज यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना. चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय जय हिंद.